शिवपुरी जिले के बमोरकला थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम बहारा में बटाई से खेती करने वाले युवक की पत्नी के साथ गांव के ही रहने वाले दो आरोपियों ने घर में घुसकर छेड़छाड़ की, जिसकी शिकायत उसने थाने पर दर्ज कराई है। जहां आरोपियों द्वारा अब राजीनामा करने की धमकी दी जा रही है, जिसकी शिकायत कर उन्होंने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार बमोरकला थाना क्षेत्र के बहारा में बटाई करने वाले युवक ने आज अपने पत्नी के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वह गांव के बाहर किसी काम से गया हुआ था। उसकी पत्नी घर पर अकेली थी, तभी गांव के रहने वाले दो आरोपी उसके घर में घुस आए और उसके साथ छेड़छाड़ कर दी, जिसकी शिकायत उन्होंने बमोरकला थाने में दर्ज कराई, जहाँ पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, जिसके बाद आरोपियों द्वारा उनको राजीनामा करने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसकी शिकायत उसने एसपी से करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। शिवपुरी से यूसुफ खान के साथ सोहेल खान की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? विनोद वंशकार। विनोद वंशकार, कौन से गांव के हो? बुकर्रा। कौन से थाने में आता है? खनी थाना। कैसे कार्ड लेके आए हो एसपी ऑफिस पे? ये साहब, मैंने रिपोर्ट करी थी, एफआईआर करी थी, मुझे कोई सुनना नहीं चाहता है। बामर थाने में और मायापुर थाने रिपोर्ट गई थी, उन्हें सुनने नहीं, दस्तखत करा लाया हमसे पूरे। काई की रिपोर्ट की थी आपने? छेड़छाड़ की, हमारी घरवाली में घर नहीं था, घरवाली को पकड़ ली। सुरेंद्र और राघवेंद्र। कितने आरोपी थी? दारू पी गए। नहीं, कितने लोग थे? दो लोग। अच्छा, दो लोगों की रिपोर्ट की थी। हाँ। आपसे परेशान कर रहे थे आपकी पत्नी को? हम तो खेती कर रहे सरपंच साहब की, खेती करने के बाद मैं घर नहीं था, रात में आया तो मेरे खेत पे आकर मेरी टपरिया में घुस गया, इसको पकड़ ली, इसके उसको हाथ मारे, वो चिल्ला पड़े और उसको गाँव वाले आ गए हमारे, सब उन्होंने बचा बचाव किया। मैंने रिपोर्ट डाली, अभी डेढ़ महीना होगा, अभी तक कोई ने सुनी नहीं। तो आपकी पत्नी कब से छेड़छाड़ कर रहे हैं? वो पहली बार करे? नहीं, हम तो पहली बार साल खेती करने गए थे, वो जब इस रात में आ गए थे। इसकी शिकायत आपने नजदीकी थाने वगैरह में की है? थाने में की है इसकी शिकायत? हाँ, बामर थाने में रिपोर्ट की है। वहाँ भी दारू मारू पी के गाड़ी दे रहे। तो थाने वाले क्या बोल रहे हैं? थाने वाले बोले कि हम पकड़ ले आएंगे, जो कर ले आएंगे सब कर देंगे, कुछ ना सुन रहा हो ना कोई कुछ कर रहा हो। आप और भी बोल रहे थे ना जबरदस्ती गवाह के साथ करा रहे हैं? हाँ हाँ, जबरदस्ती गवाह के साथ करा रहे, पूरे तरह कागज दस्तखत करा लाए, बोले बंद कर दे मायापुर थाने पे। किससे दस्तखत कराए? हम पे गवाहियों पे ना, हम पे पूरे कागज। हाँ, बोले बंद कर दे उठा के। तो आज आप एसपी ऑफिस आए हो, आप क्या चाहते हो? अब कह रहे हैं शिवराज सिंह को फोन आ रहा, हम कहा जाने में तो बड़े बड़े नेता को फोन आ रहा, ना हम पढ़े ना लिखे, टी आई साहब, हम आज गरीब आदमी, हम हमारी कोई सुने नहीं रहा, इसलिए हम यहाँ हरजन थाने में जन सुनवाई में आया सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।